हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हार्दिक, यू आर वाचिंग माय चैनल कॉम्प्लेक्स सिनेमा। दोस्तों, मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ यूजिंग जूम मैप। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ट्रिक है मैग्नीफिकेशन। हमें बहुत सी बार मीटिंग में जो बोर्ड पर लिखा होता है, हमें वो फ़ोन पर ठीक से दिखता नहीं है, तो हम मैग्नीफिकेशन ऑन करके एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाकर, जो कि सेटिंग में अवेलेबल है, उससे हम ट्रिपल टैप करने से स्क्रीन पर हम स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, और उससे हम जो भी स्क्रीन पर है वो हम ठीक से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि पहले मुझे ये दिख नहीं रहा था ये क्या लिखा है इस पर, लेकिन जैसे ही मैंने मैग्निफिकेशन करा, उससे अब मुझे हर चीज़ दिख रही है साफ साफ। यदि आपको फर्स्ट ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सेकंड ट्रिक है डिस्कनेक्ट ऑडियो। मीटिंग अटेंड करते समय यदि हमें बीच में कहीं जाना पड़े तो हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी बार जो होस्ट होता है वो कभी भी हमें अनम्यूट कर सकता है, इसलिए हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हमें जाना पड़ेगा मोर ऑप्शन में और हम कर देंगे डिस्कनेक्ट ऑडियो, पर इससे हमें होस्ट की भी आवाज़ नहीं आएगी। तीसरी ट्रिक है म्यूट ऑल। बहुत सी बार मीटिंग करते समय जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो अटेंडेंस होते हैं, वे बीच बीच में उनकी बैकग्राउंड आवाज़ आती है बीच बीच में, इससे मीटिंग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जाना पड़ेगा म्यूट ऑल पे और फिर दबा देना है म्यूट ऑल, और इससे सब म्यूट हो जाएंगे। फोर्थ ट्रिक है डिटेक्टिंग द पर्सन हु इज़ टॉकिंग। यदि मीटिंग करते समय किसी के माइक में से बार बार आवाज़ आ रही है, तो ये डिटेक्ट करने के लिए वो किसके माइक में से आ रही है, हमें बस ये देखना हो, हमें जाना होगा पार्टिसिपेंट्स में, और जिसके में से आवाज़ आ रही होगी वो बिल्कुल टॉप पे होगा और उसके माइक में से फ्लक्चुएशन हो रही होगी। दूसरा वे है, हमें अपनी स्क्रीन डायरेक्ट करनी होगी और उस पर्सन का नाम आ रहा होगा जिसके माइक में से आवाज़ आ रही है। फिफ्थ ट्रिक है हाउ टू पिन अ वीडियो। बहुत सी बार मीटिंग अटेंड करते समय जो अटेंडिज होते हैं उनके माइक में से आवाज़ आती है और उससे जो वीडियो चलते हो उसके बीच बीच में उनका नाम लिखा आता है और उससे हम वीडियो ठीक से देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम होस्ट की वीडियो को पिन करने के लिए हमें अपनी स्क्रीन ड्रैग करनी होगी और होस्ट की वीडियो पर डबल टैप करना होगा। दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।